साइन कराओ बे साइन फैशन आया था हमें साइन कराओ बे जगह नहीं है जयपुर है जयपुर है जयपुर आईडी दीदी रिवरे पे सका जो है लिंक आयो सेट है ग्रुप में रोड से बहुत मतलब इंडिया फर्स्ट न्यूज भी आई है हेलो रोड शो लाइव आया बोल दिया बेटा अपन फेसबुक पे चालू कर दे ओम प्रकाश चौधरी लोग चौधरी चालू है ओम प्रकाश चौधरी लोग बरूबर आवे नहीं आते सह करो मंदिर सर फोन दे दिन आवश्यक
अरे आवी रही मुंज बात मेरी बारे है आवी रही आपसे मतलब सब आ गया आई रिकॉर्ड डालो क्यों ना यार आज विकेट नहीं डालो मैं हां वो तो उन्होंने रबरी बोली है मैं आज अलग हुआ है आज जी वो पे पहुंचे नहीं आ गए आज से रात तक मैं बात करवा रहा हूं अब तो टाइम दो दिन के टाइम लिए तो मैंने एक सारी विजय नमस्ते नेता जी पानी लो नमस्ते ऑनलाइन ऑनलाइन ओ मार मो बुमरो फोन करे काटो फोन मत करो मार मो फोन करे बुमरो काटो फोन वजन तो है अस्सी बात में वजन में आदर जवाब ये माइक सुनी लाजी
जय बोलो रुका अरे वो तो आया रहा भाई रहा का भाई रहा कोई नहीं मारता रुपया रुगनाथ बाबा डेरी में शहर में भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो। आज सर जी चरणों में वंदन इस रुगनाथपुरी जी बाबा डेरी के पवित्र प्रांगण में आज जिस विषय को लेकर सांचौर विधानसभा के 36 कोम की ये जो अन्याय के खिलाफ आप सब जो पधारे और गोमी पंचायत की बहन हमारी मौरी देवी राजपुरोहित जो महिला होते हुए इस कुशासन का सामना कर रही है संघर्ष कर रही है इसके लिए पहले तो अपनी बहन मौरी देवी के लिए जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करवाए। इस अन्याय के साथ इस अन्याय के खिलाफ हम सब 36 कौम के लोग हमारी बहन की मदद करने के लिए अंतिम सांसों तक संघर्ष करते हैं इस बात का यहाँ अपन सब वचनबद्ध है। इस शासन में एक महिला सरपंच को एक लोक सेवक एक ग्राम सेवक अगर इस प्रकार से दबाव में बढ़ाकर विकास कार्यों में अगर रोड़ा बढ़ाते हैं तो 87 सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी संकल्पबद्ध है। इसी कड़ी में मैं भाई गोविंद जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और ये संपूर्ण इस घटनाक्रम का विस्तृत सभी को जानकारी दें। आदरणीय गोविंद जी हमें वह चार्ज में है अठीस बोल लियो
हवा चार्ज वे ना ना ठीक है आज अपने ग्राम पंचायत भूमि रो एक गंभीर विषय ने लेने ग्राम पंचायत भूमि सरपंच मोरी देवी मोहनलाल जी पुरोहित तरफ हूँ छत्तीस कौन ने एक आह्वान करो तो अपने ग्राम पंचायत भूमि रो एक विषय ने लेने छत्तीस कोम रो आह्वान कर्यो तो के लारला दोड बे साल थी ग्राम पंचायत गोमियो जनता द्वारा चुनेली सरपंच ने एक ग्राम विकास अधिकारी गुआरे तरफ थी काम नहीं करवा तरह तरह की अड़चनों पैदा करवी और आ तो खासा टाइम थी प्रक्रिया चालू होती ग्राम पंचायत गोमीरा मनक केजना मोने कहता कैसा आप रे परिवार सरपंच है मोरो फॉर्म नहीं बैठो तो घना टाइम थी तो मुझे सेम राख्यो के जेम तेम करीने अपने कार्यकाल पूरो था तो जेम तेम करीने अपने समय हलवा दियो पर लाला एक दोढ़ महीना पहला लाला हाथों मीनारी बात है ग्राम सेवक सरपंच परिवार ने उगारे पुत्र ने जौन थी मारवारी धमकी दी थी उगारे बहादरे में मोह संबंधित विभागीय कार्रवाई यारू निर्देश दीदो जाए लिखित में दीदू पर अजी तक उगार ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है लाला काफ़ी टाइम थी मैं प्रयास कर रहा हूँ तो एक उगारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं व्यवहार कारण थी मजबूरी रे मोरे छत्तीस कोम तो आह्वान कर आप बाधा बंधुओं ने अटे बोलावा पड़ा छत्तीस कोम थी मोरो एक निवेदन है कि मोरे या विषय पर कोई राजनीति का कोई पार्टी पक्ष की बातचीत रही है मोरो एक कहूँ है कि मोने जनता है ग्राम पंचायत घूमी रही है जनार्दन दीदो है वह सरपंच ने कॉम करवा दिए पर वह सरपंच ने कॉम करवा रू ग्राम से एक वारी सहायक वे उगारो कौम वे सरपंच रे हाथे उभो रहे हूँ सरपंच के उगारी पालना करवी अने वो चीजों अगर एक ग्राम सेवक सरपंच परिवार ने धमकी दिए जौन थी मारवारी धमकी दिए तो अब सरपंच रे हुआ ग्राम सेवक रे भेड़ो किया हिसाब थी कौम काज करवो तो आ विषय ने लेने आज छत्तीस कौम रे हाथे ओपरे हाथों कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देवा जाऊँ है उठे ओपरे आ मोंग राखी है कलेक्टर साहब ने कहूँ है कि भाई सरपंच या स्थिति रे मोह ग्राम पंचायत रे मोह हुआ ग्राम सेवक रे हाथे काम करवारी स्थिति में नहीं है तो मोरों सुबोरों आज निवेदन है कि या ग्राम सेवक ने सस्पेंड करे और संबंधित विभागीय कार्रवाई युवा खिलाफ करे कई कौम है जे हुए युवा मानवीयता पाई है या ग्राम सेवक की लापरवाही है और युवा सुबोरों संबंधित कागजात भी तैयार है ओपरे पाए अबे कलेक्टर साहब ने निवेदन भी कर पुलिस में एफआईआर दर्ज है और उगारे बारे में अपन चित्रवना थी मैं पूर्व एसडीएम साहब को लखा में लाई हूँ उगारी भी कॉपी हमारे पास आते है उगार में भी यानी पावी है जिस जांच भी उगार में यहाँ अपन लखन दी तो भाई धमकी दी ये दी वो पाया गया है उगारे बावजूद भी यार खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है विभागीय तो अबे कलेक्टर साहब ने कहा एक तो यहाँ सस्पेंड करे और यार खिलाफ संबंधित विभागीय कार्रवाई जाँच बिहारे और संबंधित ओवर पर ब्यूरो है और साहब निवेदन करियो कि यार जल्दी से जल्दी अगर यारे खिलाफ सस्पेंडिंग कार्रवाई न हुए तो बे तीन दिन वहाँ पे टाइम दे सो यारे बाद में धरना माथे बे आ कलेक्टर साहब ने वहाँ पे लिखित में दियो और आप सब छत्तीस कमरा बंधु बैठे पधारिया
गुहारू मोया सरपंच परिवार की तरफ हूँ आप सब धन्यवाद दे खूब खूब बाबा पंचायत समिति मीटिंग में जिला परिषद में तो हाजिर तो लोटारी जो कार्यवाही बताओ मंत्री जी ने क्या बात की वो भी बता देना आप सबों ने राम राम बोलो भारत माता की जय ओपेड 36 कोमरा लोग विराजमान हो जय गोस तो बड़ो आक्रोशित और जोर ती वेणो सी जे बोलो भारत माता की जय बोलो केतेश्वर भगवान की जय आवरा बात है आवरा जिला परिषद री साधारण सभा री बैठक 28 तारीख ने थी तो वो बैठक में सरपंच महोदय एक अपील की थी वो टाइम में कि भैया एक साल थी ग्राम विकास अधिकारी विमला विष्णुई है जो महिला है तो उवारे द्वारा उवारे पुत्र ने जान दी मारवारी धमकी और एक साल थी कोई ग्राम पंचायत में कॉम नहीं बैठो कॉम रे मोए रोडो अटकावे बैठी है तो उवारे लारे कंडा हाथे वो सरपंच ने ध्यान नहीं है लेकिन या तथ्य उदी लेकिन आज दिन तक उदी नहीं तो कोई कार्रवाई बैठी है और कंडा हाथे उदाहरण है कि जान दी मारवारी धमकी एक महिला द्वारा सरपंच रे पुत्र ने मड़े तो यार लारे कण गुंडारा हाथे उवारे लारे कण प्रशासन रे हाथे किया नेताओ रहा थे ओपरी अतरीज विनती है कि कलेक्टर ने ओपे ज्ञापन देवा जाओ कलेक्टर की आज विनती करनी है कि साहब ये महिला विकास अधिकारी होते हुए भी इसके पीछे किनका हाथ है और ये किसके दम और किसके बलबूते पे धमकी दे रही है जो एक पुत्र को जान से मारने की धमकी यानी काम तो होता है कि नहीं वो अलग विषय है लेकिन एक छोकरा ने जीवती मारवा धमकी आप कोई ब्राह्मण की बेटी नहीं है कोई पुरुष समाज की बेटी नहीं है 36 कोम री बेटी है आज 36 कोम या सरपंच रे हाथी है और मारो भी अहमदाबाद सीधो यारू काले गोविंद भाई रो फोन आयो गया मीटिंग यारू उठे आवनो है मैं क्यों हर अंतिम सांस तक यारू जो संघर्ष करना पड़े मैं तन मन धन दी हाथे हूँ और मैं काले ती लागूड़ा सतीश कुमरा भाइयों में फोन करो कि ज्यादा ती ज्यादा संख्या में पधारे और या बहन ने न्याय दिलाओ में हाथे रहो पहली बात पंचायत समिति की मीटिंग थी पंचायत समिति की मीटिंग रे मोए अपेक्षित लोग वे के जो खुद पंचायत समिति सदस्य वे उहा रे मोए के आसू जी गुदारो करे हालांकि उहा माते कोई पद नहीं हुआ करे वो हारोड़ो एक सरपंच द्वारा कोई हतो वो एक जो भी उम्मीदवार तो हालांकि वो बैठक में वो अपेक्षित नहीं है वो बैठक में आवे दादागिरी करे यानी वो एक भी हंगामो करवाई कोशिश जो अपेक्षित ही नहीं आज बीडीओ एसडीएम मंत्री खुद बैठे एड़ा लोग आवे पंचायत समिति की साधारण सभा में बैठक रे मोए गुंडागर्दी करे तो अकण आधार माते मेरे मंत्री जी ने खुद ने ध्यान नहीं है कि अपेक्षित नहीं है ये बैठक में कैसे आ सकते वो ने सब देख और मंत्री जी एक जो मोरी देवी जी बोले मंत्री जी के कालेर कालिया ने सरपंच ने कहो कि भीम लाठो दी जानी छावे या कालेर कालियाटो दी रवाना करियो आज बैठक हुआ ने काफी दिन हुआ क्यों रवाने नहीं की थी आज अटे कोई एसपी आयो कोई बीजेपी नेता रो घर लीधो हुआ ने हागे दन जनधन जिलो बनतो तो उहारे बीजे दन हुआ ने हागे दन रवाना की दो हुआ दन अटे नहीं रेवा दीदो अने एसपी जेड़ा कलेक्टर जेड़ा एक घंटार में ट्रांसफर वे के तो एक ग्राम विकास अधिकारी है ट्रांसफर नहीं करेगता आ सबोन जोन नहीं है कहो आ एक जनता ने गुमराह करवारी बात है चार दिन पहला एक कोई 15-20 दिनों पहला नी बात है डूंगरी टोल टैक्स रे माते एक विष्णु हीरा बेटा ने मारियो टोल टैक्स वाले तो वह विष्णु हीरा बेटा ने मारे तो कोई लारे पैर भी करवा कोई मतो को समाज सेवी है भामाशा आदमी के भैया कान आरू टोल टैक्स वालों तानाशाही करे तो वारी पैर भी करवा रू अपने समाज सेवी मोर कोई भोणेजी से परिवार दी सोवड़ा राम माड़ी वारी थोड़ा में सरोना थोड़ा में पैर भी करवा गयो तो पैर भी करवा गयो तो वह पैर भीर में वह ने मार कूट करे ने थोड़ा वाले थोड़ा मोह नोक्यो जेल ने मोह नोक्यो तो आ केड़ो जीवती मारवारी धमकी दे थोड़ेदार एस आई कृष्णाराम विष्णु मुहारो नाम भी दो ने मार कूट करे मोतो को लारे कोई कानून री पैर भी करवा जाए कोई कैश री पैर भी करवा जाए उपाटे मोह नोके कोई प्रावधान में है एड़ो थोन सबो ने जो ने वह ने भी उपाटे मोह नोके आ केड़ो राज है गुंडागर्दी में दौड़े दिन चार रस्ते मनखोरा जीव री हत्या वे आ पौसवरो में देखो छोरी हो तो वेती जती एक में रोडो बनाई री रोडो कदी एड़ो होबड़ियो पौसवरो में कदी सड़को टूटी है पौस वर सड़को रे समय ना हुआ सड़को बनाए हाड़ी चार बार खाडा मोपे हल्या समय में हड़को हैंग टूटी प्रिय कटे विकास ओपरो ये सब गुमराह करवारी बातों है हमें वहां पे जागृत नहीं हुआ तो फसे कभी वहां पर जागृत वाली बात नहीं है और सब जना आज धरनो एक दंद्रो नहीं है कोशिश करो अजी तो कोई नहीं हरुआत है और ज्ञापन नहीं आज एक दंद्रो धरनो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज भी बोला और जटाऊ दिया बहन ने न्याय नहीं मिले जतरा धन बहनों बड़े आम मरण अनशन उदी बहनों बड़े मैं बेवान तैयार हूँ धन्यवाद टर्मिनेट करने की नौकरी से घर भेजने की मांग है आप कहाँ पर
गंगोत्री बाबा की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम वंदे मातरम। बाबा के दरबार में छत्तीसगढ़ के भाई लोग अपन एक महिला जनप्रतिनिधि को, एक छत्तीसगढ़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम सभी छत्तीसगढ़ के लोग आज एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, बात धमकाने की या काम करने की नहीं है, एक जनता द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि, वो भी महिला और वो भी उसको अधीनस्थ काम करने वाली महिला उसको प्रताड़ित करती है। 2 साल 3 साल से वो महिला जनप्रतिनिधि सहन करती है, जो उसके साथ घटना घटती है, काम होता है काम नहीं होता है, वो सहन करती है अपने बलबूते पर। जब अपने परिवार पर आ पड़ती है, तेरे बेटे को जान से मार देंगे, तब उसका सहनशीलता का घड़ा फूटता है और समाज के सामने वो बात फैलाती है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। या समाज की बेटी, छत्तीसगढ़ की बेटी आपसे न्याय मांग रही है कि जो मेरे अधीनस्थ काम करने वाली महिला है वो मुझे धमकाती है। वो किसके साथ धमकाती है, उसके पीछे कौन है, ये सबको पता है। लेकिन थोड़ा रेवारी मजबूती और हाथे न्याय देवर काम करो है, ये आज अपने भाई साहब खड़ा हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ में व्यक्ति कलेक्टर आगे जाए ज्ञापन देवा रहा हूँ, ज्ञापन सिर्फ कलेक्टर ने देवा रहा हूँ, माता ध्यान रखें। यदि सरपंच कलेक्टर नहीं है तो वहां बैठ जाए, जब आएंगे तब उठेंगे। ज्ञापन जो है कलेक्टर को दिया जाए और इस बेटी को न्याय दिया जाए। धन्यवाद। रायचंद जी सरपंच पावड़ा, आप इस दो शब्द कहे सरपंच के बारे में, बड़े युवा आदमी है, संघर्ष सब चीज को जानते हैं, इसके लिए रायचंद जी को मैं देता हूँ। तो आया कर तो जाऊं है ना। बाबा रुग्णनाथपुरी गुरु जी की प्रणाम। आप सब इस अन्याय के खिलाफ मेरे युवा साथी बुजुर्गण सभी पधारे, आप सबको धन्यवाद। एक सरपंच को ग्राम विकास अधिकारी अगर धमकी देता है ये निंदनीय है। ग्राम विकास अधिकारी का काम होता है सरपंच जो आदेश करे उसकी पालना करना, और गांव में जो विकास के कार्य सरपंच बताए सरपंच के निर्देशानुसार उनकी पालना करते हुए वो काम करवाना। बड़ी विडंबना है कि एक ग्राम विकास अधिकारी सरपंच को धमकी देता है और प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। कार्रवाई न करने के कारण ये सब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर कार्रवाई करते तो हमें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सरपंच महोदय को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम सभी साथ में हैं, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी अगर हमें बुलाएंगे और कहीं पे भी ज्ञापन देने की या और भी भारी संख्या में भीड़ जुटाकर एसडीएम को और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, मैं हमेशा साथ में रहूंगा। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान साहब बोले, अर्जुन जी भारत माता की, भारत माता की। बड़ी आज दुख की बात है, महिला सरपंच होने के नाते मैं 2 साल से देख रहा हूं। मैंने उस विमला से बात भी किया था कि विमला तो एक ग्राम सेवक है, सरपंच के दिन में काम करती है, लेकिन इस हिसाब से तो प्रताड़ित कर रही है ना, ये बड़ी दुख की बात है। मैं सरपंच साहब के घर में इसको मैंने बुलाया था, फिर ये 7-8 दिन पहले मेरे इससे फोन से भी बात हुई थी। सांचौर पंचायत समिति के अंदर भी महिला सरपंच है, मैं भी इस पंचायत समिति में सब साथ में लेके चलता हूं, तो ये प्रधान लेवल का ही मामला था। 1-10 मिनट के अंदर ये प्रधान इसको रिलीव कर सकते हैं। पंचायत समिति की साधारण मीटिंग उस दिन हमारे को बड़ा दुख हुआ कि ये समाज की सरपंच नहीं है, छत्तीसगढ़ की सरपंच है, वो मंत्री साहब के सामने गिड़गिड़ाती हुई देखी, हमारे को खुद दुख हुआ। फिर मैंने इंदु सिंह जी को बात किया, अरे इंदु सिंह जी आप वहां
पंचायत समिति की साधारण सभा के अंदर वो एक महिला सरपंच गिर गया थी, वो आपकी बहन है, उसके अंदर जो सरपंच खुद एक साधारण सभा की मीटिंग में आते हैं उसका प्रतिनिधि भी नहीं चलता है। हमारे यही होता है पंचायत समिति के अंदर, तो मेरी बेटी खुद वो मीटिंग लेती, मैं बाहर बैठता हूं, सबको पता है। तो मंत्री साहब खुद पास में बैठे थे, 10 मिनट का काम है और धमकी दे रहा है कि मैं जान से मार दूंगा। ये बड़ी दुख की बात है, कल कोई और महिला सरपंच या राजनीतिक में नहीं आएगी ऐसे, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरा यही निवेदन है कि काम हो या ना हो, ये धमकी वाला कौन है वो हमारा चाहिए वो, और उसको अरेस्ट किया जाए। पंचायत का विकास तो होता रहेगा, अभी 2-3 महीने राज्य सरकार का, 2 साल में हम काम कर लेंगे, हमारी सरकार आएगी, लेकिन ये धमकी वाला कौन है वो हमारे 36 कौन से। हमारा यही निवेदन है कि इस बेटी के साथ रहे और धमकी वाला पुलिस अरेस्ट करे उसको। मेरा यही निवेदन है, आप 36 कौम की ये बेटी सरपंच है और जब तक उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करें तो आप अल्टीमेटम दो, 7 दिन के अंदर वापिस हम धरना देकर कलेक्टर के सामने बैठेंगे और हम तन मन धन के साथ 36 कौम को बुलाएंगे और वहां कलेक्टर के सामने बैठेंगे। ये नॉर्मल बात नहीं है, ये कल की बात है, ये जिला का एक साइड में उद्घाटन हो रहा है और खुले आम चौराहे के ऊपर गोलियों से वो आदमी को भून रहे और कोई प्रशासन नाम की कोई सांचर के अंदर चीज नहीं रही और पूछ रहे हमारे पास, अभी मेरे पास किस्ता राम जी का SHO चितवाड़ा फोन है, कितने लोग होंगे, क्या स्थिति है धरने की। मेरे को खुद के पास मेरे पास फोन आया है, क्यों किस्ता राम जी महिला को धमकी दे रहे और आप हमारे को पूछ रहे हो कि कितने लोग आएंगे इस धरने के अंदर। तो मेरा यही निवेदन है, सब 36 कौम के लोग यहां बैठे, अभी आप धरना दो, ज्ञापन दो कलेक्टर साहब को और 7 दिन के अंदर जीवाराम जी से मेरा निवेदन है कि आप कलेक्टर साहब से दानाराम जी आप दोनों ही नेता हो, उसको कड़े शब्दों में कह दो हमारा मुलजिम चाहिए ये धमकी वाला, काम विकास हो ना हो उसकी कोई कमी नहीं है, विकास होता रहेगा। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं 36 कौम को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। राम जी भाट साहब आप दो सबूत दीजिए, आज के इस धरना स्थल पर विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय जीवाराम जी, प्रधान साहब और समस्त 36 कौम के सभी हमारे बंधुओं, हेलो, आपने ग्राम पंचायत भूमि की जनता के द्वारा चुने हुए एक महिला प्रतिनिधि को सरपंच के आगे काम करने वाली ग्राम सेवक धमकी दे और परेशान करे, ये लोकशाही का गला घोटा जा रहा है। अगर लोकशाही को जिंदा रखना है बंधुओं तो अन्याय के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी, ये मामूली बात नहीं है। इसके पीछे राज मारवाड़ी में कीमत सासु को छाछ की बात हुई थी, छाछ के अभी छासी ना देने वाली भू कौन है, छासी ना तो हूं दो ग्राम पंचायत गोमी रमो ने सरपंच ए सरपंच की गिरा सरपंच तो मैं वहां पर, इसके पीछे उन सरपंचों का भी हाथ है जो मोरी देवी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उन लोगों ने भी उसको बिबला को प्रेरित किया है कि किसी प्रकार से इस सरपंच को फेल करो, किसी प्रकार से इस सरपंच के काम को फेल करो ताकि भविष्य में ये सरपंच खड़ा नहीं हो। मामला ये है, लोकशाही का गला घोटा जा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उन लोगों को पता नहीं है गोमी की पंचायत जनता सब जागृत है, अच्छी तरह समझती है कि कौन सही है और कौन गलत है, सत्य की हमेशा जीत होती है। बंधुओं ये मामला यहाँ तक क्यों पहुंचा, ये ग्राम पंचायत मामला था गोमी के लिए, इसको आज निपटा सकते थे तहसील स्तर तक और जालौर स्तर तक, ये कलेक्टर स्तर तक ये मामले को ले जाने की क्या आवश्यकता थी, परंतु इसके पीछे राज है, किसी प्रकार से हर सूरत में यहाँ शासन हमारा ही होना चाहिए, अगर हमारे खिलाफ कोई भी शासन करने वाला तैयार हो उसके गला घोटो, उस लोकशाही का गला घोटो। बंधुओं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ,
उन शहीदों ने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने के लिए इसलिए अपनी कुर्बानियां नहीं दी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भाई भाई का खून का प्यासा रहेगा और किस प्रकार से लोकसभा का गला घोटा जाएगा। उन्होंने किस प्रकार से अपनी जान की कुर्बानी दी कि देश को आजाद करावे, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालें, विदेशी ताकतों को हिंदुस्तान से बाहर निकालें और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जनता का शासन हो और अमन चैन हो, इसके लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। परंतु बड़े दुख की बात है, इस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि एक महिला इसलिए टारगेट की जा रही है कि महिला कोई सरपंच के लिए खड़ी नहीं हो। हमारे विचारधारा के खिलाफ कोई भी राष्ट्रवादी इंसान, कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो, सरपंच हो चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, सब जगह ये मामला है। पूरा नियोजित कार्यकारी में इस नियोजित अन्याय के खिलाफ आपको जंग लड़नी है, ये मामूली बात नहीं है। ये मोरी देवी के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं है, हम सभी 36 कौम के खिलाफ ये कार्रवाई है, ये प्रीप्लान है। इस प्रीप्लान को ध्वस्त करने के लिए हम सबको जंग लड़नी पड़ेगी और आगे ये मामला यहाँ तक खत्म नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य के अंदर हम अगर स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, स्वाभिमान से अपने स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और जिससे लोकशाही को और आजादी को स्वतंत्र भारत के अंदर अपन सांस लेना चाहते हैं, तो हमें आपकी ताकत काम आएगी। अभी बात चली इसके पीछे कौन है, आगे पीछे कौन है, आगे पीछे आप हैं, आपकी ताकत काम आएगी। एमएलए एमपी कलेक्टर कलेक्टर आपके सामने झुकेंगे, ताकत आपकी चाहिए, जनता की ताकत चाहिए। हिंदुस्तान में जनता का राज है, हिंदुस्तान में कलेक्टर का राज नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एमएलए एमपी का राज नहीं है, हिंदुस्तान में जनता का राज है। जनता चाहेगी वो होगा, जनता चाहेगी वो होगा। एमएलए 5 साल के लिए चुना जाता है, परंतु अगर जनता चाहेगी, आने वाला समय कूक कूक के कह रहा है, अगर 5 साल में भी एमएलए का सही नहीं चला तो रोड पे लाकर के उसको बर्खास्त करना पड़ेगा। ये समय आ रहा है, आने वाला समय पुकार कर रहा है अगर हमें लोकशाही का आवाज रखना है। इसलिए मैं मोरी देवी उसके परिवार को आप सबकी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस लोकशाही का गला घोटना नहीं देंगे, हम 36 कौम के लोग सभी साथ हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी बहुत सारे वक्ता भी बोलेंगे, आदरणीय जीवाराम जी बिराजे सभी प्रधान साहब भी बोले हैं, अब कुछ मेरे हिसाब से कुछ नारे भी बोलेंगे इनके खिलाफ। एक खिलाफ जिंदाबाद सरपंच साहिबा, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। विमला तेरी ताना सही नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से मैंने बनाए हैं, विमला तेरी ताना सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विमला तेरी नादिर सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विमला तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोरी देवी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, लोकसभा का गला घोटना बंद करो, बंद करो। इसके अलावा अभी बोलेंगे इंकलाब सरपंच साहिबा आगे बढ़ो, सरपंच साहिबा आगे बढ़ो, मोरी देवी आगे बढ़ो, मोरी देवी आगे बढ़ो, विमला तेरी तानाशाही, विमला तेरी तानाशाही, विमला तेरी नादिर शाही, विमला तेरी नादिर शाही, विमला तेरी गुंडागिर्दी, विमला तेरी गुंडागिर्दी, मोरी देवी आगे बढ़ो, मोरी देवी आगे बढ़ो, लोकशाही का गला घोटना बंद करो, बंद करो, लोकशाही का गला घोटना, लोकशाही का गला घोटना। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी आगेवान कार्यकर्ता बंधुओं, 36 कौम के मेरे भाइयों, बड़ी दुख की बात है, ग्राम पंचायत गोमी की सरपंच 1.5 साल से इस विषय को लेकर के जिला परिषद पंचायत समिति प्रशासन सबके सामने इन्होंने मुकाबला किया, गांव के अंदर रोड़े अटकाए, जिला परिषद में इसका प्रस्ताव लिया गया, पंचायत समिति में ग्राम सेवक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया, विधायक महोदय जो अपने यहाँ स्थानीय मंत्री है उनको भी अवगत कराया गया, लेकिन वहां का एक व्यक्ति ऐसा है इनके सामने जो चुनाव लड़ा, उनके कहने पे माननीय मंत्री जी उस ग्राम सेवक को वहां से नहीं हटा रहे,
जिला परिषद के सीओ साहब से बात हुई, प्रमुख साहब से भी हुई, बीडीओ से हुई, सब लोग कह रहे हैं विमला को नाम छोड़ो दूजो वह तो कर दो। इतना सीरियस लेकर के इन्होंने इसको टारगेट बनाया। मैं खुद इसमें साक्षी हूं, डेढ़ साल से इनके साथ में मैं खुद गया हूं जिला परिषद तक। सदन में भी मुझे कह रहे हैं कि आप नहीं हो प्रवीण है, तो भाई पंचायत समिति में हिंदू सिंह जी थोड़ी उनकी मिसेज है, प्रमुख प्रधान अर्शन जी की बेटी है। लेकिन विमला जी क्यों परेशान कर रही, मौरी देवी भी महिला है, वो भी महिला है, लेकिन इनके दोष ये है कि ये भाजपा की है। सही बात कह रहा हूं, अगर उनके सामने हाथ जोड़ के उनके पति ने उनको साफा बंधवा दिया होता तो ये मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं थी। जी उंजूरी करते तो कोई जरूरत नहीं थी। छाप छुतरी बातों में कहता हूं, पहले भी अपने सरपंच थे, हीरालाल जी को साफा बंधवाया, हमारे चौधरी समाज के सरपंच कहीं बैठे होंगे या पूर्व सरपंच, एक एक ने साफा बंधवाया तब जाके उनका काम करते, समिति में एंट्री होती जब सुखराम जी प्रधान थे। सही बात है गलत बात है या होंगे, साफा बंधवाओ और काम करो, ये नीति अपनाई थी। लेकिन जनता ने ऐसा किया, 45,000 से भतीजा बोला के घर भेजा, साफा बंधाया तो वो साफा बंधा के खुश रहे। लेकिन मौरी देवी ईमानदार सरपंच है, नेकी वाली है, इसने एक डेढ़ साल तक तो किसी को समाज के बंधुओं को नहीं बताया भाई मामला सुलझ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी, तो अपनी इतनी बात नहीं बढ़ाए। आखिरकार उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी, बेटा सबको प्यारा होता है, राजनीति तो आज है कल नहीं, सरपंच ही है और कल चली भी जाएगी। अभी भैराराम जी नारा लगा कि मौरी देवी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, आगे तो जब बड़ी जब जनता ने वोट देकर जीते ही आगे तो बढ़ गई। उनके परिवार की साख थी, उनका अच्छा परिवार था, 36 करोड़ में वोट देकर उसको जीताया तब वो आगे बढ़ी है। लेकिन आज उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी है, कल एक मर्डर हो गया, दूसरी धमकी ये, एक मेरे भी आई, कल आपके आएगी, इस प्रकार ये सिलसिला चलता रहा तो फिर सिर उठाने के लिए कोई तैयार भी नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं, अपन कितने भी घर बैठे पकड़ो कहीं ऐसा है वो है अबे जोर लगाओ, लेकिन आखिरकार लास्ट तक न्याय नहीं मांगेंगे तब तक अपन ये भुगतेंगे। और इस समाज से मैं निवेदन करता हूं, मौरी देवी नहीं है, पूरी समाज की भी बेटी नहीं, 36 कौम की बेटी है, ये न्याय मांग रही है। आज आप लोग आगे आकर के इसका मुकाबला कर रहे हो, हम भी आपके साथ, ऐसा नहीं कि ये पुरोहितों का धरना है, 36 कौम का धरना है ये, न्याय के लिए। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग सरपंच है, जीते हुए कोई पहले थे, कोई आज है और आगे भी होंगे, काम तो सबको करना पड़ेगा। ये जीवाराम जी बैठे 2 बार विधायक रहे, कौन कह सकता है कि जीवाराम जी के किसी कार्यकर्ता ने कोई सरपंच को धमकी दी हो, कोई किसी ग्राम सेवक को परेशान किया हो, कोई अधिकारी को परेशान किया या व्यक्ति विशेष किसी को कोई गाली दी हो। लेकिन यह तो आम बात हो गई। अभी ये प्रवीण बता रहा धरना मैं था डूंगरी, सुखराज जी सुखराम जी का सुपुत्र वहां भाषण दे रहा है, मेरे सामने 68 बोला, मैं कोई तू तेरे दिमाग से बोलना, मैंने जिंदगी इस धरने में निकाली है, तब जाकर उसने माफी मांगी। और वो कह रहा है मैं शाम को इस थाना अधिकारी को हटा दूंगा, 1 महीना हुआ नहीं हटाया, 1 महीना वो कहता है क्या मैं कर लूंगा, आश्वासन था, भीड़ को भी खोड़ दिया, आक्रोश खत्म हो गया, लोग अपने अपने घर गए, वही थानाधिकारी वही बैठा कृष्णा राम। फिर अपना जो जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान के विरुद्ध वो रैली थी, उस दिन उच्च अधिकारियों को बात करके वहां से हटाया, फिर भी मंत्री जी उस सीआई को पर्सनल पॉइंट बनाकर चित्रवाड़ा लगा दिया, सरवाना से हटाया, चित्रवाड़ा पोस्टिंग की। इतना ये कोई ग्राम सेवक कर सकती है क्या, कोई कार्यकर्ता कर सकता है? लेकिन बड़े आदमियों का हाथ है, वो आदमी सीधा कौन है, सुखराम जी का हाथ है, सुखराम जी करते वो होता है, सुखराम जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। क्यों डर रहे हो, किस बात के लिए डर रहे हो, खुला कहो, हरियारिया मत कहो, मौन कहो, तब जाकर के आजाद होंगे और अपन ये हासिल कर पाएंगे। अगर ये मौरी देवी एक दिन सुखराम जी को अपनी पंचायत में मीटिंग करके इनके पति के हाथों से साफा बंधवा देती तो ये बेटे को मारने की धमकी नहीं आती, मैं पक्का विश्वास के साथ कहता हूं। ये बात कहो ना, अभी चुनाव सिर पे है फिर भी धमकी, वही ग्राम सेवक नहीं हटा पा रहे तो 4 साल का समय था, कौन सुनने वाला था भाई, अब तो इनको गुलामी करनी है वापिस। कल मेरे गांव में भाषण दे रहे थे सुखराम जी के, आप इन गोली ठेकेदार 3 दिन टाबर दीवड़ा पींगे घरे आवे, मैंने गोली मार दी और कुकर मैंने घर जाई, बापड़ा हुक्राम तो वहां तो हंसी करे ऐसा दिखा बीजा नहीं मानता, अरे बेटा बाबा दंगरा मासी के रात भाभी के हुक्राम तो बापड़ो के तो हवल है,
क्यों हावड़ कहे मैं देखो आत्माओं का कहे अगर हावड़ कहता बिंदा न कर देगा समस्या खत्म भाई सीधी बात है ना क्यों इस पॉइंट बना रहे हो कई सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी वोट और होंगे आज भी होंगे कल भी आएंगे लेकिन अपन किसी को ध्यान से मारने की धमकी दे ये बहुत निंदनीय शब्द है इसके लिए जितना संघर्ष करना पड़े हम सब एक है साथ हैं साथ रहेंगे और ये सांचो है इसमें मजबूती से रहोगे तो ये आपका भला है नहीं तो कुछ नहीं है ये जिला बना है ना जिला में अधिकारी इनके पुलिस इनकी कर्मचारी इनके परीक्षा का सेंटर हाईजेक फर्जीवाड़ा वही पेपर लीक उनके लगेंगे अपने तो है नहीं विधायक जी को हटाएंगे लेकिन अधिकारी थोड़ी हटा सकते हैं सारे उन्हीं के तो है भाई किसको किसको हटाएंगे 200 थानेदार किसको हटाओगे आप सरकारी अलावे एसडीएम इनके सब है इसलिए ऐसी व्यवस्था से सावधान रहो थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा और इस चुनाव में सच्चे होकर काम किया तो ठीक है नहीं तो अपन और भुगतेंगे मैं तो ये कह रहा हूं और चौधरी समाज से भी निवेदन करता हूं घर में एक हो जाओ मैं मरा लाडला और यह मजबूत आदमी की जरूरत है कमजोर व्यक्ति कभी बार नहीं मर सकता लड़ लड़ के मर जाएंगे हारेंगे 5 साल और दुख देखेंगे एक हो जाओ एक कमरे में हम सब आपके साथ हैं सीधी बात है इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं धन्यवाद किशन जी सरपंच आप दो शब्द के सब लोग सरपंच डेलीगेट प्रतिनिधि समाज के अध्यक्ष सतीश कुंभ से आए हुए सबको हार्दिक अभिनंदन स्वागत चलो पंच पर विराजमान सभी नेतागण प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि समाज छत्तीस कौम से पधारे हुए मेरे समाज के बंधुओं सबको छोटे को प्रणाम प्रणाम बड़ों को दंडवत प्रणाम और राम राम अभी जो ये कौमी पंचायत मौर्य देवी के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहा है ये बहुत आगे दुख की घड़ी है इसके लिए अभी सभी सरपंचों से प्रतिनिधियों से जनप्रतिनिधि एमएलए और सभी छत्तीस कौम से मैं दो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप इनके साथ सहयोग देवे और ज्यादा में ज्यादा जो अभी भाई साहब ने बोला कि सरकार किसी नेता की या किसी की नहीं है पब्लिक की है जनता जनार्दन है जनता जो चाहेगी वो एक घंटे में कर सकती है इसीलिए आप सभी छत्तीस कौम से कोई समाज के नहीं है ये मोरी बहन छत्तीस कौम की बहन है सरपंच है अभी प्रतिनिधि तो सब है सरपंच सरकार का ये जो निर्णय है कि भाई लेडीज सीट है तो वहां पे कोई लेडीज है कोई कम पढ़ाई लिखी है तो उसके लिए तो उसका पति है बेटा है या कोई रिलेशन वाला वो प्रतिनिधि कर सकता है इसके लिए ये नहीं है कि वो क्यों नहीं है हो सकता है भाई ये नहीं करेंगे तो यार गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्यों ये बिना पढ़े लिखे उसको टिकट के लिए आवेदन करे या उसको लड़ाने के लिए करे ये तो गवर्नमेंट का जो रूल है इसके लिए अपने सबको साथ देना पड़ेगा और इसके विरुद्ध अपने को लड़ना पड़ेगा आप सब साथ दीजिए हम सब अपन छत्तीस कौम साथ हैं मौर्य देवी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं मौर्य देवी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं भारत माता की जय धन्यवाद मोहर सिंह जी सरपंच डब्बा रावत सिंह जी आप बोलो दो सरपंच तो एमएलए साहब पिया है और बड़ी कौम भी जो खराब हो जाए डरे हाथ आए डरे है सरपंच तो पिए हाथ आई और जन काटवा है सम्मानित मंच सतीश कुमरो आ धरनो है सतीश कुमरो सरपंच ने सतीश कुमे पोर दिन जिताड़ियो है जे आ सब सतीश कुम यारे भेड़ा रही और संघर्ष करवो कई जना नेता मारसा नु के नारो नारो तो ये मंत्री रे गुलाब फूलो बिमला के मीरो बड़ा हुई पूरो एम जे मतलब कोई बला है ही नहीं चोर मोटो आ फैन चोरो रो गुंडो रो ठाकर तो आ हुजरो में कुटिया ना मेता पांच खर्च धरनू देवा भाजपा वाला भी है पार्टी छोड़ो बात करो कारी बात करे
जटे लोकाचर जाए वोटे विवाह रबीत की कर गावो योर लोकाचर करवार धंडे मात में एडी यार सोकरो बड़ो बजे पर खूब बजे पर वो पे अपना घर में कुटाओ अजीन को के तो है नहीं भगजी की तो के मजबूत आदमी आदमी मजबूत नहीं शासन हो तो मजबूत हो है मजबूत है मने पूछे शासन हो जर मने है कि बोन करे क्या करना राज हो जर पूछे बिना राज को नहीं पूछ दो और सतीश को मैं करो अवाली टेम ओपड़े हैंगर एक राय थे भाजपा बोर्ड ने बात है करो आ गुंडा गुंडा राजा ने कांग्रेस की तो है ना गुंडा ये बात से का तैयार दासे और हैंगर फॉर्म कर दे लेकिन समझी जरूरत हो जय हिंद जय भारत अमराराम जी सरपंच भूतपूर्व सरपंच सोसाइटी के अध्यक्ष डुब्बा सब जाति भाई एक एक बोलो तो बात तेरी भावना आया कि सब बोले बात ये आज इस बाबा रघुनाथपुरी जी के समाधि के शरणों में नमन रघुनाथपुरी जी जो आज ये धरना है ये कोई पार्टी विशेष का नहीं है एक हरिदेव बहन जो सरपंच है हिंडवाड़ा जी उनके पुत्र को एक ग्राम सेवक द्वारा जो धनी धमकी दी जाती है तो उसके विरोध में मेरा तो यही निवेदन है प्रस्ताव है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए चाहे कोई हो राज किसी का हो गांव का जो जनप्रतिनिधि होता है वो एक जनप्रतिनिधि होता है ग्राम सेवक उसका एक सचिव होता है माँ बेटे का रिश्ता होता है वो स्वयं होता है ग्राम सेवक और सरपंच का रिश्ता तो ग्राम सेवक अगर सरपंच के अनुसार काम न करे वो एक चलेगा लेकिन एक किसी से एक मारने की धमकी एक बहुत बड़ा निंदनीय अपराध है उसको जो धमकी दी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जय हिंद जय भारत आदरणीय सावलाराम जी भारत माता की भारत माता की इस सतीश कुंभ के धरने प्रदर्शन में पधारे हुए सांचौर के पूर्व विधायक जीवाराम जी भाजपा नेता दानाराम जी प्रधान साहब और सभी युवा साथी पिता तुल्य गुजरात और मातृशक्ति साथियों ये विघटन परिस्थिति क्यों पैदा हुई इसका कारण क्या है ये ग्राम सेवक धमकी देना ग्राम सेवक क्या है सरपंच के आगे क्या है जनप्रतिनिधि के आगे ग्राम सेवक नॉर्मल एक व्यवस्था है जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि पांच साल के शासन में जनता बैठाती है और सरकार उसके पास में एक ग्राम सहायक रखती है वो सरकार का काम करते हैं लेकिन सरेआम धमकी देना उसके काम में विघ्न डालना और सरपंच कार्यालय के पे सील लगाना ये कहां का व्यवस्था है साथियों पांच साल से पीड़ित है सांचौर की जनता आज इस सरपंच बेटी के साथ में हुआ है और पांच साल से हर व्यक्ति के साथ में होता है और ये सरपंच कोई समाज की नहीं है ये जनप्रतिनिधि जीतने के बाद सतीश कौम की होती है लेकिन जात एक पुरुष समाज लगती है और मैं देवासी समाज से आता हूँ हमारी समाज के साथ अभी विकट घटना हुई सतीश कौम ने उसमें भागीदारी दी तो मैं देवासी समाज से आता हूँ हमारी भी पूर्ण भागीदारी साथ में एक तख्ता पलट करने की व्यवस्था है आम लोग परेशान है हजारों मर्डर हुए सैकड़ों मर्डर हुए सांचौर के अंदर मंत्री मोदी कह रहे मैं डरा हुआ हूं आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दे जनता के साथ में आ जाए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साथ में दे देगा आपको डरने की जरूरत नहीं सुरक्षा मुहैया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वचन देता है आपको आपके छोटे छोटे बच्चे भी डर रहे वो भाषण दे रहे हम भी डर रहे अरे क्यों लोगों को अल्लू बना रहे हो साथियों जनता जाग चुकी है आपके बातों में भी नहीं आएगी आप भाषण दे रहे हो हम डरे हुए घर पे आप पे मार दो वो है कौन उसका नाम जाहिर कीजिए ना जनता के सामने लाओ कौन धमकी दे रहा है आज 10-10 मर्डर हो गए सिवाड़ा के अंदर सोई हुई माता को मार दिया उसका हत्यारा कहाँ है कोई सलाखों के पीछे मेरे पलादर गांव के अंदर दो छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर नहर में डाल दिया वो हत्यारे कहाँ है मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता और छोटे छोटे बच्चों को गोली से मार देते हो क्या अपराध बड़ा सांचौर के अंदर रानीवाड़ा बागोड़ा कोई आपके साथ मारने को मंजूर नहीं है
एक व्यक्ति, मैं बुरा मत माना, एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया उस संघर्ष समिति में कि भाई साहब आज रात को अच्छे व्यक्ति का नाम आ जाए दबंग सांचौर भारतीय जनता पार्टी तो हम हमारे वहां से उठ के घर पर जाने को तैयार है। हम व्यवस्था सांचौर से खिलाफ नहीं है, सांचौर की वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ है। हम आएंगे सुरक्षित कैसे जाएंगे, बहुत तकलीफ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सतीश को हम एक हो जाइए, एकता बताइए। आज हर कर्मचारी सांचौर का अधीन और नेता बन के बैठा है। कर्मचारी अपने आप को अपना आका मानता है, चाहे बिजली बोर्ड चले जाइए, पंचायत समिति चले जाइए, नगर पालिका तमाम विभाग में चले जाइए, ग्राम सेवक से लगाकर एसडीएम तक सिर्फ राज की चलती है। साथियों उसके आकाओं पर आपको नकेल कसनी पड़ेगी, अपने आप आपकी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि जनता एक हो जाइए और सांचौर की व्यवस्था को सुधारने के लिए, नहीं तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, धमकी आएगी, बोलना पड़ेगा। आप राजू सिंह जी प्रभा दो सब के नानजी राम जी कोले कहाँ गए, नानजी राम जी कोले रैली के भूतपुर बाबा रुकनाथपुर जी आए हैं, बदले हुए पूर्व विधायक जयराम जी, हम सबके नेता दानाराम जी और छत्तीस कोम के बुजुर्ग युवा साथियों, यह विमलारो तो लगभग लालना 20 सालों आने जदे वहां सर्विस लगी जदे होड़ी नि चले जे मोरे गांव री तो अलग गिन नहीं आ नठे पीरी अणु पहला केसुरी री हमारे समाज राजपूत समाज के सरपंच है मदन सिंह जी, उनको भी इसने खूब प्रताड़ित किया। इससे पहले निमयू में थी प्रकाश चौधरी समाज से सरपंच है, जहां भी गई पूर्व में भाजपा शासन में इसको चाटपाड़ा कहीं भेजी थी दिवासी समाज, उसको भी इन्होंने खूब प्रताड़ित किया। ये जहां भी जाती है इसके अन्ना पूरा भाव बदरे आ, और मंत्री जी काले के आप एक ग्राम सेवक ने हटावन फंडदार ने हटावन कृष्ण जी यू क्यों फलौन जी यू क्यों डिगड़ जी यू क्यों, यह सबने काले मंत्री जी करावड़ी भाषण में कहो कि पार्टियों कूदे खोटे के जोर हो तो खोटो कौन या खोटा है नहीं हटावन तो हरगिड़ो मटे ब्रो, सभी अपन छत्तीस को संगठित होके अन खोटा ने जटाओ तो ये पार्टियां बीजा सब कूदना बंद हुए परा उन्होंने सब त्योहन और लारे कौन है सबको पता है बिने हटावन पास या बीस टेम लिए हरी करी भाई ने तकलीफ करी यार बर्खास्त नहीं मांग करो कि ये बिल्कुल टर्मिनेट होनी चाहिए निलंबित करो हमारे बाल करिए अपनी पासी और सभी सतीश को अपन संगठित होके दवा नहीं भागती करी पाके ये चुनाव आवे ये करी दिन रहा है करी दिन बाद में आचार संहिता लगे भी अपन सतीश को एक वे और यह खोटा ने उगड़े एक बार मिलो ब्रो तो पार्टियां बीजा सब बिल्कुल शांत रहे परा सब मजबूत है भाजपा और शासन आवे और जो भी अपनो नितो वे वगैरह डिजायर आले कोई मजबूत नहीं कोई कमजोर नहीं सतीश को अपना ओपे संगठित रहे और भाजपा ने जिताओ और अपनी सबोरी व्यवस्था आले ओपे स्वाभिमान अनुजीवी है क्यों मैंने खुद ने 2.5 साल व्यक्तिगत खूब प्रताड़ित करो ये गैंगवार तस्कर हमारे खुद ने घरों में 300-300, 400-400 लोग दो बार आया लारे दगे गाड़ियों में ली गेटे वगैरह सब करियो वहां फर्क नहीं पड़े साच को कभी आंच नहीं मजबूत रहो संघर्ष करो ये कुछ नहीं है ये डरने वाली ये कोई खाए पर नहीं करी पर कोई न भाई होती और ये राज रहा और अपरा तो बिल्कुल मोड़ा है राज आयो ने तो राव सिंह जो गल्ड गफ देने वेपरा पर ओपरा ने तो ने भी कहो कि आप मैनेजमेंट वेतो मैनेजमेंट वेजो और कोई न कोई तन काटिए नठी नठी नो आवे व्यवस्था में सापड़े परा यार आप करी राख लो और अपने भी करी राखनी है सतीश को मोपे संगठित वे और या खोटा रोज बटो पापो काटो जरे अपने शांति भाई बीजे पहला कोई शांति नहीं वे हमने धरना दियो ज्ञापन दियो कोई करो व्यवस्था न रही है सब इनको सबको पता है कि विमला क्या करती क्या नहीं करती और हरिकिशन की हरिकिशन जी का तो लगभग माननीय पूर्व विधायक जी को भी पता है ये 10 साल पहले क्या करता है ये इसकी बेटी है हमारे एडिशनल साहब पूनम सिंह की भी नहीं है ये परावा की आज आए उठे यारी होली है ये अरु यार बर्खास्त नहीं मौन करो और ये टर्मिनेट होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। हमें कोई सरपंच तो पार्टी अपनी बेटी को जिम्मेदार चुनाव नहीं बता है सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है आदरणीय पुरुषोत्तम जी वकील साहब एडवोकेट आइए समाज नहीं पार्टी नहीं जनहित की कोई पार्टी नहीं थी इसलिए आपके लिए कहा है जो हकीकत है वो स्टेज पे कहना ही होगा कोई संकोच नहीं बाद में भी रोड पे आने पड़े उससे अच्छा है इसको यहाँ से रिमूव करे बिना हम जाने वाले नहीं है जिसको जाना वो जाए आना वो आए सम्मानित मंच
विराजमान सांचौर जिले के दूर दराज से पधारे हुए सभी महानुभाव, आप सभी आज भूमि ग्राम पंचायत की सरपंच और उनके पुत्र को मारने की धमकी के बाद उनको प्रताड़ित किए जाने के विरुद्ध में आप सभी छत्तीसगढ़ के लोगों ने आज ज्ञापन देने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया, इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि आज हमारे भी एडवोकेट जिला एडवोकेट संघ की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल थी, आप सभी ने मीडिया में और समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि दो दिन पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने अपने वक्तव्य में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी की थी कि न्यायपालिका एक भ्रष्ट विभाग है और वहां पर एडवोकेट है वो फैसला और निर्णय लिखते हैं और जज उस पर साइन करते हैं। प्रदेश के शीर्ष पद पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी जो न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है और आज हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की वजह से ही हमारा संविधान सुरक्षित है और हमारा लोकतंत्र आज दिन तक कायम है, इसलिए हम सभी प्रदेश के एडवोकेट ने आज उनके विरुद्ध में माननीय मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर को एक ज्ञापन प्रेषित किया और सभी जिले के अधिवक्ताओं ने एक दिन की स्वैच्छिक उपस्थिति न्यायालय में नहीं देने का निर्णय लिया। अभी हम ज्ञापन देकर आए हैं, इसलिए बंधुओं आज सुबह इस बाबत में मुझे सुखराम जी ने भी मुझे बुलाया था और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे जो चितलवाड़ा ग्राम अपने पंचायत समिति की मीटिंग थी उसमें सरपंच साहब ने मुझे निवेदन किया था उस ग्राम सेवक को लेकर, तो मैंने बोला आप यहाँ के विधायक हो, यहाँ के मंत्री हो, प्रदेश सरकार में आपकी हिस्सेदारी है और आपको कहना चाहिए था। वहां प्रधान प्रतिनिधि इंदू सिंह जी भी विराजे थे, मैंने उनसे भी कहा कि ये छह महीने से ये मैं भी सुन रहा हूं तो आपको इस व्यवस्था को संभालना चाहिए था, कम से कम आप भी जनप्रतिनिधि हो, सरकारें आती रहती है जाती रहती है, ये तो एक व्यवस्था होती है, बाकी राज न तो कांग्रेस का है न भाजपा का, राज कानून का है। कानून क्या कहता है? कानून सबके लिए बराबर है, जो अधिकार मुझे संविधान ने दिए वो हरचंद जी को दिए, वो जयंती लाल जी को भी दिए, माधाराम जी को दिए, इसलिए राज कानून का है और कानून को जो पालना करवाने वाले होते हैं, ठीक है राज की जो जिस पार्टी की सत्ता होती है उसमें 19-20 उनकी थोड़ी मनमर्जी चलती है, बाकी राज कानून का है ये हमेशा आप ध्यान में रखना। तो उन्होंने कहा कि जब सरपंच साहब ने हमको ये बात बताई तो मैंने प्रधान साहब को और विकास अधिकारी को कह दिया था और शायद उनका और ट्रांसफर भी एपीओ भी उसको कर दिया है, ऐसा सुनने में मुझे आया जी। नहीं नहीं, यानी मेरे को सुनने में आया कि हमने उसको एपीओ करवा दिया है, अब हुआ नहीं हुआ वो आप उसकी तसली कर लेना, वो तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे तो वो अपने को मालूम पड़ जाएगा। अब रही बात इनको धमकी दी, इन्होंने पुलिस में उसकी रिपोर्ट दी, पुलिस ने उसकी जांच की और जांच में उसको दोषी पाया, इनकी शिकायत को सही पाया, उनके भी कागजात मैंने देखे और इनके बयान लेके और जो पुलिस ने 116-3-107 सीआरपीसी में जो हिस्सगाता होता है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में उस सरपंच विमला के खिलाफ में पेश कर दिया और एसडीएम ने उसके विरुद्ध में पाबंद करने के लिए नोटिस भी दो बार निकाल दिए, लेकिन पुलिस की लापरवाही से वो अदम तामील वापस आए हैं कि भाई वो हाजिर नहीं मिली घर पे या जो कार्यालय में हाजिर नहीं मिली, इसलिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है लेकिन वो उसको नोटिस तामील नहीं हुए। अब रही बात ये जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है इसके लिए अभी भाई रावत सिंह जी ने भी कहा, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन आज मैं जो आपने जो अपना वक्तव्य में बताया तो ये तो होना ही है, वो मारवाड़ी में कहते हैं कि बीजेपी में तो नौ न पड़ी थी तो बस वो थावारू जैन भाई
हाँ तो एमएलए हमेशा एक सफल लोकतंत्र के लिए विपक्ष है वो मजबूत होना चाहिए। हर चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे नगर पालिका हो, कोई भी जो जनप्रतिनिधियों से संचालित होते हैं उसमें एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। है ही नहीं कोई विपक्ष हो, जब भी पंचायत समिति की, नगर पालिका की या विधानसभा में जो भी होती है सत्र चलते हैं, मीटिंग होती है, तो उसमें विपक्ष को एक मजबूती से पेश आना चाहिए। कुछ नहीं बोलेंगे, सब मौन होकर बैठेंगे तो सत्ता पक्ष तो जो उनको करना है वो करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि सभी मजबूती से एकजुट होकर अन्याय का विरोध करोगे तो ये व्यवस्था चलने वाली है, बाकी किसी के भरोसे कुछ नहीं होना है। ये जो अपना लोकतंत्र है, गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का द्वारा और जनता के लिए है, इसी के आधार पर ये अपने देश की व्यवस्था है और संविधान भी ये कहता है। इसलिए सभी जनता को एक होकर और जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी कानूनी या जो भी वायोलेशन हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है संवैधानिक अधिकारों का, तो उसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल कानून आपकी हर कदम पे रक्षा करेगा और सभी लोग एकजुट के उसका विरोध करेंगे, आप सफल होंगे। जय भारत, जय हिंद। शीला जी बहन, आप भी बताइए पूरी, आप बोलते हो माइक पे तो वहाँ पहले बैठे थे, आपको बुलाने लगे दो तीन बार के वहाँ लेडीज के पास बैठे, इसलिए आपको बुलाए, उसके लिए सॉरी। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज 36 कोम के इस धरने में पधारे हुए हमारे पूर्व विधायक जीवाराम जी, हमारे प्रत्याशी दानाराम जी, प्रधान प्रतिनिधि धरचंद जी और समस्त 36 कोम के भाई बंधु, आज हम यहाँ पे धरना देने के लिए बैठे हैं। मेरी एक ही गुजारिश है कि ये धरना जब तक नहीं उठना चाहिए तब तक ये एपीओ नहीं हो जाती या टर्मिनेट नहीं हो जाती, क्योंकि हम बार बार आके, हमें बड़े लोग आके समझाते हैं और हम आश्वासन पे खड़े हो जाते हैं कंटिन्यूअसली। मैं देख रही हूँ 3-4 धरने ऐसे ही हुए, आश्वासन मिल जाते हैं। तीन चार धरनों में यही हुआ, आश्वासन देते हैं और हम लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो आश्वासन उनका पूरा होता नहीं है और हमारा जो धरना दिया वो विफल हो जाता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष तो आज इतना सारा बैठा है, एकजुट होके बैठा है, पर ये विपक्ष जब ही सफल मजबूत बनेगा जब ये टर्मिनेट होगी, तो अभी कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसमें ये नहीं है कि भाई इनको सरकार ने पावर दी है तो सरपंच भी एक ग्राम पंचायत का प्रथम व्यक्ति होता है, तो उसकी भी ग्राम पंचायत में चलनी चाहिए, उसकी ही बात सुननी चाहिए, क्योंकि जनता सरपंच के पास आएगी, वीडियो के पास नहीं आएगी, और वीडियो का काम होता है सरपंच के संज्ञान से काम करे, तो दोनों को साथ मिलकर करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक पैरेलली काम करते हैं सरकारी तंत्र में। पर अगर वीडियो अपनी मर्जी चलाए और सरपंच को कुछ नहीं गिने तो उस ग्राम का विकास कैसे होगा? फिर वो काय का ग्राम विकास अधिकारी अगर वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है? तो इसलिए ये सरकारी तंत्र तो फेल है ही, भ्रष्टाचार तो ये है ही, ये कमीशन की सरकार है, कांग्रेस तो वैसे ही कमीशन की सरकार है, पर आम जनता कब तक भुगते? पिछले 10 सालों से ये यहाँ पे मंत्री जी है, मंत्री जी का एक ही कहना है कि भाई हम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो मंत्री जी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे होगी? ये आप लोगों को मंत्री जी से पूछना चाहिए। आप एक जाति एक समाज विशेष को टारगेट करके नहीं बोल सकते कि आप लोगों की वजह से हम लोग सुरक्षित नहीं है, ये मंत्री जी के वर्डिंग्स थे, तो मंत्री जी को पूछिए इनको शय किसने दी? आम जनता, आप और मैं तो क्राइम करके नहीं आते, जिनको शय दी वो क्राइम करते और उनसे फिर वो पकड़ में नहीं आते, तो इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो आपको चुन के बिठाया, तो ये चीजें आप लोग उनसे पूछिए कि आप सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कैसे हैं? ये जनता का सवाल होना चाहिए। सरकारी तंत्र फेल है, पुलिस प्रशासन फेल है, सब कुछ फेल है, तो सुरक्षित कैसे होंगे? 4 रास्ते पे मर्डर हो जाता है, हम सुरक्षित नहीं है। बाप बेटी के घर जाता है, सुरक्षित नहीं है। बेटियां घर में सो रही है, सुरक्षित नहीं है। व्यापारी मार्केट में आ रहा है, सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित
यहाँ पे, ये चीज आप उनसे पूछिए। वो देखिए अभी वो मंत्री जी है, भले भूपेंद्र जी हो भले सुखराम जी हो, हमें उनसे सवाल करने का हक है कि हम सुरक्षित, आप सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित होंगे। आपके हाथ में सरकारी तंत्र है, आपके हाथ में पुलिस प्रशासन है, सब कुछ है, फिर भी आप सुरक्षित नहीं है। नकल कसिए इन लोगों पे, बंद कीजिए शह देना तो सब सुरक्षित हो जाएंगे। ये चीजें आप लोगों को पूछिए। रोज है ना ये आश्वासन वाला सिस्टम, हम आएंगे हम कर देंगे, ये वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। आज जो धरना दिया, इस धरने का जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक आप उठोगे नहीं, क्योंकि 30 दिन ही रहे फिर आचार संहिता लगेगी। जैसे भाई साहब ने बताया 30 दिन में इनका काम होगा नहीं, ना ये टर्मिनेट होंगे। मोरी देवी जी वैसी की वैसी परेशान, और एक उनका और बढ़ जाएगा कि आप लोग बैठे थे कुछ हुआ क्या। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा लेना पड़ेगा। और इस बार एक ही नारा है कि 36 कौम एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी को जीताएगी, और भाजपा आएगी तो ही यहाँ का ये तो खत्म होगा। तो भारतीय जनता पार्टी इतना कहकर मैं अपनी वाणी को हरिया जी देख पहले हरिया भाई, हरिया भाई बोलो, हुआ बोलो पहले हमें समय पीजी बात। शीला जी आपकी बात में दम है, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जाने वाले जब तक इसको लाइन हाजिर या सस्पेंड नहीं करे नहीं जाने वाले। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अपने मोरी देवी ने उतरी हुई कतरो घटना काली में भारी हो छोकरी मेरे सोरा पुलिस वाली लेन आई, मैं क्यों थू हाय हाय क्यों करे रोड अतरा पिया खाता पीसो नारा अन जेल में जाई वो आप ही उठी उठी तो महिला भी अन एडो भ्रष्टाचार करे तो है ही नहीं। थने हर कोई सरकारी नौकरी दी दिए तो आज बड़े बात नहीं थी। 3-4 महीना हुआ एक मई भरे आई थी गर्म से थी कारण वाली मोड़ थोड़ा मई छुपी थी अन मु तो काले सड़का वाला नहीं खूब की नहीं हूं रुपया खाता रहो हमें 9 करोड़ रुपया आया है हाथों में 9 करोड़ कोई हाथों में सड़क नहीं आज की तारीख में ठोकर दी मरा पड़ा। हाँ तो हमें यानी भाई रूम सरपंच महिला सरपंच बेज रे मारो यूं बतो यो बराबर महिला ने अड़ो कहता था मुझे है ही नहीं आज महिला ने दा धू तो बाबड़ी महिला कटे बाहर जाए अत्रो भाईचार भेणगुर एक हमें आज भरी एक मोटी ओपरो है पे मारे के हिंद बुगा सियान भी लीदरी के बुगा काम करो कटे जाऊं मो हमें आती तो मेरे को काम हिंद जानो था सुखराम जी घरी मेरे को सुखराम जी रे कार्यकर्ता वाला के सुखराम जी मारे गोजा मारे गोजा में मार बाब बाबरी छोकरी हाँ सुखराम डोगरा बैठा घरी अन एमिली वेबरा बीजा मंत्री वेबरा नगर पालिका था हमें कभी राज आवे नगर पालिका खाली कराओ तो मन भूति नोम आवे भाई चारो बो अपने हाथों में 8-9 बजे पोटी एणो बाबड़ो हर कोई दुकान वालो की कर जाए कड़ी भूनारा लोटी कड़ी कोई लोटी कड़ी कोई लोटी ये बार ला नहीं आता है आंगनवाड़ी दौड़े मुड़ा है जोड़ारी जड़ उखड़ा नरण काटा अन अपने भाजपा रो राज लावियो तो अपने फायदो भैया अन घर घर में एमएलए बनो परा अन नेत्र एक एमएलए जीता नो है घर घर जीतनो नहीं है एक एमएलए जीता नो अपने तो अपने फायदो भैया खूंटो मजबूत करो मारी बहन तो बाबड़ी कटी नहीं जाए ये भाई नाटक करे। हाँ तो हमें अपनो राज आयो रो है तो तुझा खुदी दो हमें इनारो मुड़े तो उतरिया पर आई और जड़ा तो भाड़े जरे काल तो तीखर माते आवे हमें हेरी आगे ने ठापड़ी ये तो मारी समाज भेड़ी हुई थी जोधपुर जोधपुर भेड़ी हुई थी एक रात पर कोई सोकरो बीजू कटे यहाँ को पासो नहीं हुई
एडी मारी मीटिंग हुई तो आप हमें अतरा हाँ तो अपने करो मारे मारे लक्ष्मण ने बापड़ा मारियो करो दौड़ा दे थोड़ा दिन मारी नीला नैनगढ़ी मारे सारी पोतरी बे मारी बड़ी दो तीन पोतरी बे कोई नहीं कम वे कोई व्यवहार नहीं है हमें तो आप मुट्ठी में ही मजबूत रहिया घर घर झंडी घर घर मारी बहना नहीं आवाज अन मारी बहना धके बढ़ावड़ी अन जय हिंद जय भारत हासर में लावड़ो राज मोदी नी लावड़ो मोदी 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 दिनेश भाई जुड़वा सक्षम में आप भी कहें भारत माता की मंच पर विराजमान सभी नेतागण समस्त जातियों से पधारे हुए हमारे पुरुष समाज की मोरी देवी सरपंच के पक्ष में आप सभी पधारे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अन्याय के खिलाफ किसी भी पार्टी का किसी भी जाति का आदमी अगर अन्याय करे तो उसके विपक्ष में 36 वर्ण को रहना अपना एक धर्म है। पार्टी कोई भी हो मेरा भाई भी अगर गलत है तो मैं उसके विरुद्ध में हूं। पार्टी की बात सेकंड आती है। मोरी देवी के साथ में जो ये ग्राम सेवक विमला विष्णु ने प्रताड़ना की है उसके लिए हम परसोत्तम जी वगैरह मिले। हिंदू सिंह जी ने एक 25 तारीख का ऑर्डर हमारे को बताया कि 25 तारीख को उसको एपीओ कर दिया जो कॉपी हमारे को दी है एमएलए साहब। और दूसरी बात रही है धमकी की। धमकी के विरोध में चाहे किसी भी समाज के आदमी को कोई धमकी देता है 36 वर्ण के लोगों को एक रह के उसका मुकाबला करना है उस धमकी का जवाब देना। किसी के बाप की बपोती नहीं सातवा में जो धमकी देते क्यों धमकी दे। धमकी किसी भी जाति के किसी भी कमजोर आदमी को भी धमकी से नहीं करनी है। सबको जीने का अधिकार है राज कानून का है। राज किसी के बाप की बपोति नहीं है। नेता कार्यकर्ता और जनता चुनती है। नेता बन के कोई अपने धनी या कोई धमकी देने वाला नहीं बन सकते चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं कांग्रेस में हूँ 20 साल से कांग्रेस में रहा हूँ। ये एमएलए साहब बैठे जीवाराम जी मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। हमारे वहां भी विपक्ष जीता है। हमारे पंचायत में जाके पूछ लो किसी भी हम हार के आए किसी को 5 साल बतलाया नहीं। जीत के आए तो भी सबका काम किया है। जीतना हारना पब्लिक के हाथ में है। पार्टी चाहे कोई भी हो ऐसा थोड़ा चलेगा कि भाई अगर कांग्रेस वाला जीत जाए तो बीजेपी वाले को जीने नहीं देगा धमकी देगा नहीं चलेगा। अन्याय किसी को भी सहन नहीं करना है। अन्याय चाहे आज जीवाराम जी एमएलए साहब बीजेपी के इनके साथ अन्याय हो रहा है तो मैं इनके साथ रहूंगा। दानाराम जी बीजेपी के इनके साथ अन्याय साथ रहूंगा। कोई किसी भी जाति वर्ग के आदमी के साथ व्यापारी के साथ किसान के साथ एक अन्याय होता है। सबको जैसे मोरी देवी का समर्थन दिया है ऐसे समर्थन देके उन अत्याचारियों का उन गुंडों का विरोध करना है। आप सब बता रहे बहुत बहुत धन्यवाद। इस अन्याय के खिलाफ जब तक उनको पनिशमेंट नहीं मिले तब तक लड़ाई जारी रखनी है। और विमला को एपीओ कर दिया है अगर उससे आगे भी आप कोई मांग रखते हो तो सभी लोग अपने साथ में रह के इसका मुकाबला करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतीराम जी दो शब्द कहे सक्षम में जय बोलो रघुनाथ परी बाबा की। जय बोलो रघुनाथ परी बाबा की। भारत माता की। आज इन समारोह में सरपंच मोरी देवी के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ में आप 36 कौम के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जो अन्याय होता है उसमें एकजुट होकर के एक राय होकर के सभी की आवाज उठेगी तभी अन्याय ये रुकेगा नहीं तो नहीं रुकेगा। जब से ये अत्याचार बड़ा सभी सरपंच दुखी है। मेरे ख्याल से जहां जहां विपक्ष का सरपंच है सभी दुखी है लेकिन वो बाहर नहीं आते हैं। सभी सबसे पूछते हैं तो काम कुछ होता नहीं है। उनके मन मर्जी से ग्राम सेवक करते हैं। जो सरपंच विपक्ष का है उनके पास में पक्ष वाले ग्राम सेवक लगा देते हैं। उनका काम होता नहीं है। विकास का काम एक सरपंच का तो मुनीम होता है जैसे छेट का मुनीम होता है उस तरीके से सरपंच का मुनीम ग्राम सेवक है। उसके कहने पर करना पड़ता है लेकिन इनका दिमाग इतना खराब है
कि इनको सरपंच को कुछ मान्यता नहीं देते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, वो बात तो गई। उसके बाद भी धमकी देना एक मानवता की बात नहीं है। इस धमकी को भी अगर अपन सहन कर लेंगे तो अपन भी मानव नहीं। इस तरीके से इस अन्याय का फैसला, इस अन्याय का विरोध एक मोरी देवी नहीं, एक समाज नहीं, 36 कौम के लोग अपन एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे और इसको जब तक सही सजा नहीं मिले, इसको टर्मिनेट नहीं करे, तब तक अपन को यहाँ से हटना नहीं है, धरने बैठना पड़े, अल्टीमेट देना पड़े, विरोध करना पड़े। यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अरिंद जी, व्यापार संग्रह अध्यक्ष है और हाफ व्यापारी तरीके नहीं, एड बार थोड़ को खावड़ा एल बार होना गड़े। बोलो बाबा रघुनाथपुरी की। आज परिणाम में विराजमान सभी 36 कौम के बंधुओं, युवा साथियों, जो कौमी पंचायत के सरपंच को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, इस संबंध में आज 36 कौम ने मिलकर के उनका जवाब देने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। आज सरकार की आंखें खोलने के लिए, सत्ताधीश पार्टी की आंखें खोलने के लिए ये धरने का आयोजन किया गया है। साथियों, ये धमकी है, धमकी किस किस को दी गई, सोचो इस धमकी के पीछे हत्या भी हो सकती है और हमारे सांसद के अंदर हुई है। धमकी लक्ष्मण को मिलती है, उनको सरेआम गोलियों से भुला जाता है। धमकी मंत्री पुत्र को मिलती है, वो कहता है कि हमें मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सरकार को धमकी मिलती है, बड़ी शर्म की बात है। अगर सरकार के अंदर सरकार के आदमी को धमकी मिलती है तो वो कितना ढोंग है भाई। ये ऐसी बातें नहीं चलेगी, जनता सब जानती है। धमकी सरपंच को मिलती है, मैं कहता हूँ काले कुछ परिणाम आ जाए तो मैं कहता हूँ सारी 36 कौम को देखना पड़ेगा, ये सरकार जवाबदार होगी। अगर मंत्री ये सरपंच के पुत्र के साथ में अगर ऐसी घटना हो गई जैसे लक्ष्मण भाई के साथ में हो गई, अगर ऐसी हो गई तो ध्यान रखना साथियों, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ये धमकी एक ऐसा शब्द है, सांसद के अंदर धमकी 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 से दबाया जाता है, लेकिन उनको कब तक सहन करोगे साथियों? ये सोचने का विषय है। जब तक आप संगठित नहीं रहोगे, ईंट से ईंट नहीं बजाओगे, तब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये जय हिंद जय भारत। दादाराम जी सत्संग में गए आप भी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मारे 36 कुमरी बहन रे हाथे जे अन्याय हुए मारे, आज बड़ी संख्या में पधारी है, याने मैं खूब खूब धन्यवाद दूं। आज आप परिस्थिति केम हमने जे आगे सब जने भाषण दीजा, आप लोगों गौर कर जो कि हमें कमजोर केम आ मंत्री साहब एक मिनट रे मैं धारे हो कर सके और एक मारी बहन मोरी देवी आते अन्याय हुए हुआ मैं हमने परसोत्तम जी वकील साहब क्यों के एपीओ करीब रही साहब एपीओ नहीं सब उठी बर्खास्त नहीं करे हटाओ दी मैं उबा नहीं था। आप सब नामों को आप हमने तकलीफ नहीं है, आप अपने सबने तकलीफ है। अगर अबे मात्र शक्ति ने धके नहीं लाओ, अगर हुआ ना अबे समर्थन नहीं दो तो अपने धके बहनों ने कर लाओ तो हम क्या आप सबने आ लड़ाई लड़नी है। जितना होगी अपनी बहन ने न्याय नहीं मिले, आपने सब बैठे रहना है रात और दिन, अपने सबने इंतजार संघर्ष करना है, अपने लड़ना है। रही बीजी बात,
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार केम क्या अभी खुद आते पीछे लो ओबे अधिकारी ने कहूंगो जितना बड़ी ऑपरे पर महीने अब तो आवे ऑपरे गुजा में पैसा आवे तो अभी अधिकारी ने कहो कैसो जितना बड़ी ओबे खुद ही बंदार नहीं हुआ जितना बड़ी कोई कोई अपने बने के नहीं को केम क्या मंत्री साहब बुला ने पुलिस वालों को के आपने ध्यान न रहे तो हमने 10 दिनों पहले नहीं बात है जंतीलाल जी एक भाई रहे थे लाइट का पैसा मांगा था 80,000 और वह भाई के नाम हो तो के एसीबी में कंप्लेंट करू रही शिकायत करू रही वह भाई ने कहा नहीं हो तो 15 दिनों जेल में रहना हमने कारोबारी बात है और वो मोर पे काले आए तो मैं कह देव अधिकारी भी हम जो थोड़ा दर्द अब कम रहे हैं मैं ब्याज आते थोड़े हिसाब से बोलो आपने मौको हाथी बात है और एक एक नहीं सुनो हाँ मंत्री जी भी आप भी हमल जोड़ो जे भी आपने शर्म दी दी है जे भी भ्रष्टाचार के है मैं सब मरे और आपने एक एक हिसाब पूछो कारण एक गरीब रात है तो ने जे काले भाई आए तो मने खूब दुख हुआ एमपी साहब भी बैठा था वोटे आए पहला मैं क्यों तो पुलिस ने मैं कह भाई आते थे अन्याय मत करो तो उड़े पुलिस वाले के साथ मोरे यार कौन करो मेरे ऊपर थी फोन आवे आज सब बदे मन के वाले हकीकत आज सब बदे वाले क्या लगे मोरे ऊपर थी फोन आवे मैं ऊपर थी कहवा आवे राजदारी नो बात होए क्या नेना केस में तेज वाला जे लाइट का बिल नहीं पड़ता है मोरे एक हाथू की बीवी जा रही पहले भी फाड़ी पड़ी हमरे गोम में बीच में रहते जे ईमानदारी थी बिल भरे वो रात तलने ने को धमकाते राजदारी मुकदमा करो समय तुम्हारा पूरा हो गया है समय हमारा आ रहा है हम आपको पूरा एक एक हिसाब आपसे लेंगे आज बड़ी संख्या में आप बता रहे हो यह आवाज से खूब खूब धन्यवाद समय कम है कलेक्टर साहब की बात हुई थी बोले क्यों तुम आधा घंटे में हो रही है टाइम बता रहे हो उभरो आवाज से जो जी राम जी कही अनोपे पहलो माता जी भारत माता की भारत माता की आज के इस धरने पर पधारे हुए सभी मेरे पिता तुले बुजुर्ग युवा साथी माताओं बहनों सर्वप्रथम मैं आप सबको इतनी भारी संख्या में एक महिला सरपंच के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आप सब लोग बता रहे हैं आप सबका खूब खूब हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं मेरे से पहले सारे मित्रों ने सारे वक्ताओं ने जो कुछ भी कहना था सब कुछ अपने अपने शब्दों में अपने अपने विचारों में कह दिया मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है जिस प्रकार से आज हम संगठित होकर के इस बहन को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं 2 महीने रहे हैं और हमारा राज आएगा भाजपा का एमएलए बनेगा और हमारे तमाम सरपंचों को ब्याज सहित जो कमी पेशी रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सरपंचों को पूरा करेगी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है रही बात धमकी की इन धमकियों से अगर डरते तो ये 35 साल सांसद की राजनीति नहीं करते मैं भी विधायक रहा हूँ आपके आशीर्वाद से हमने भी सरकार के साथ काम किया है लेकिन हम लोग मानवता को ध्यान में रखते हुए किसी भी पार्टी का हो हमने उनके साथ जनप्रतिनिधि के नाते जनप्रतिनिधि के हिसाब से उनका सम्मान किया है उनका स्वागत भी किया और उनको सहयोग भी किया है लेकिन अब वर्तमान समय में जो 4 साल से ये सरकार कर रही है सरकार के प्रतिनिधि कर रहे हैं इनकी सरकार के जो कार्यकर्ता कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं हमारे सब कार्यकर्ता देख रहे हैं 4 साल का आने वाले 24 में 5 साल का ब्याज सहित वसूल करके सांचौर की जनता को सांचौर की जनता के चरणों में समर्पित कर देंगे भारत माता की जय शांति से सबको चलना है एक लाइन होकर चलेंगे नारा बोलते बोलते चलेंगे अपन जो भी साधन लेकर के आए हैं कृपया वो साधन यही रखें अपन तो पैदल जा रहे हैं ना हाँ आराम से प्यार से अपने वादे बोलते बोलते नारे बोलते बोलते सबको शांति से चलना है भारत माता की।
आदरणीय सरपंच जो लेडीज वगैरह जो साथ में है वो लोग सबसे आगे रहे, सरपंच महोदय आगे रहे। जय हिंद। सरपंच को कुछ बोलना था, सॉरी वो पीछे रह गए, इसके लिए मैं समझ जाता हूँ, मैं सरपंच का जवाब जाता हूँ। सब साथ नहीं आए लगे, पहले चलना है, पहले उठे सामने जय हो